नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप साहब? आज मैं आपको शंख बजाना सिखाती हूँ। सिर्फ हमें अपने फेफड़ों में हवा भरनी पड़ती है और फेफड़ों में हवा भर के फिर हमें इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको करना पड़ता है। फिर ये धीरे धीरे बजने लग जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे बजाएं। शंख बजाने से ना हमारी अंदर की सभी समस्याएं दूर होती है। हमारे पेट में अगर कोई दिक्कत है, गैस है या कुछ और प्रॉब्लम है, हमारे अंदर से कुछ कोई नसें कूड़ रही है और खून का संचार अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ये शंख को बजाने से वो सारी समस्याएं दूर होती है। और शंख तो पूजा के टाइम में बजाना बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत शुभ फल मिलते हैं। शंख बजाने से, शंख की ध्वनि से ही हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब दूर हो जाती है और घर में एक पॉजिटिव का संचार होता है। तो और बुरी चीज़ें जितनी भी होती है वो घर से दूर हो जाती है, आसपास जहाँ तक भी इसकी ध्वनि जाती है दूर हो जाती है। और इससे एक सोई हुई भी भूमि जाग जाती है शंख की ध्वनि से। तो शंख से वैसे तो है ही फायदे, लेकिन हमारे शरीर को भी बहुत फायदे हैं। तो शंख में ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, शंख सीख जाओगे आप। ठीक है, नमस्ते। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। नमस्ते, आनंद।